सूरजकुंड स्थित सूरजकुंड धाम परिसर में गंदगी और साफ सफाई व्यवस्था को लेकर स्थानीय लोगों द्वारा गुरु गोरक्षनाथ मंदिर के सचिव द्वारिका तिवारी को ज्ञापन सौंपा गया था, जिसके तहत द्वारिका तिवारी ने शुक्रवार को सूरजकुंड मंदिर धाम परिसर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने नगर निगम के उप स्वास्थ्य अधिकारी को साफ सफाई व्यवस्था को सुदृढ़ करने का दिशा निर्देश दिया। इस अवसर पर सूरजकुंड जीर्णोद्वार समिति के पदाधिकारी और स्थानीय लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए गोरक्षनाथ मंदिर के सचिव द्वारिका तिवारी ने कहा, ये तो अलग चीज है, सफाई जरूर, सफाई करा दे रहे, दो आदमी लग जाएंगे पूरा सफाई, ये सिपाही दिखाई दे रहा है, यही करना गंदगी है, अभी हटा देते हैं, ऐसे करना गंदगी बात, अच्छा पूरा है इसे गंगा जल कर दे, चार आदमी जाते हैं, हाँ सफाई करा रहे हैं, तमाशे बना रहे हैं, हटा दिए क्या हो गए, तो तमाशे बना रहे हैं, देखा क्या कहते हैं, लेकिन कुछ सुनने को तैयार नहीं, आप चार पांच हिसाब से बात कर लीजिए, दो आदमी लगा के बिजली करवाइए, यहाँ ज्ञापन वहाँ पर गया था महाराज जी के यहाँ, मोहल्ले के लोग दिए थे यहाँ सफाई व्यवस्था लेकर और भी सुविधाएं जो होनी चाहिए, उसी के निमित्त हम यहाँ आए हुए हैं, अखिलेश श्रीवास्तव जी नगर निगम के आए हुए हैं, यह सफाई व्यवस्था बिल्कुल ही थोड़ा ख़राब दिखाई दे रही है, यद्यपि महाराज ने पर्यटन विभाग की ओर से काफ़ी निर्माण कार्य कराया है, लेकिन निर्माण कार्य होने का जब तक सफाई व्यवस्था न हो, पोखर की सफाई न हो, इस नाते और महाराज का एक अभियान भी है कि सफाई हर जगह होनी चाहिए, तभी सफाई जब होगा, शरीर की सफाई हो, पोखर की सफाई हो, हर चीज़ की सफाई, कहीं भी सफाई होगा तो आप बीमार नहीं होंगे और स्वास्थ्य दृष्टि से लाभदायक भी है, इसी निमित्त हम नगर ये अखिलेश श्रीवास्तव जी को लेके आया हूँ, उन्होंने अपने लोगों को निर्देश दिए हैं कि इसकी परमानेंट व्यवस्था सफाई की जाएगी।